हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है और इस मशीन के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन कैसे करें, वो भी पेन ड्राइव में। तो चलिए मैं आपको आज स्कैन करके बताता हूँ कि पेन ड्राइव में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करें। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में पेन ड्राइव है, मैं इस पेन ड्राइव में स्कैन करूँगा डॉक्यूमेंट को। और डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे कि बेसिकली मेरे पास अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको कलर फोटोकॉपी करके दिखाया था, मैं वही डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, ये ब्लैक एंड वाइट मशीन है मेरे पास। तो अभी आपको आगे इसका भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। बाकी अभी कलर मशीन के बारे में बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, आगे पीछे हैं दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट, और इनको मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पेन ड्राइव में स्कैन कर लूँ। मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण डाटा होता है तो कैसे इसको स्कैन करें पेन ड्राइव में, मैं आपको बताता हूँ। पेन ड्राइव में स्कैन करने के लिए फ्रेंड देखते हैं आप, यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट है। वैसे बेसिकली ये ढक्कन लगा ही होता है, यहाँ पे लॉक होता है थोड़ा सा। हम इसको फंसा के ऐसे नाखून फंसा के निकालेंगे, नहीं निकल आएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये पेन ड्राइव है मेरे पास, तो इस पेन ड्राइव को हम इसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे हम इसको पेन ड्राइव को इसमें इंसर्ट करेंगे, हमारे पास डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं पेन ड्राइव वो के ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अभी डिस्प्ले मैं चालू करता हूँ, डिस्प्ले बंद हो गई है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसमें पेन ड्राइव लगाया तो ये मेरे पास ये ऑप्शन एक्टिव हो गए। जैसे कि मैं आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ, आप शायद देख नहीं पाए होंगे। मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया, बेसिकली हमारे पास ये ऑप्शन होम पेज होता है। जैसे हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर शो होंगे। अब हमें अपना पेन ड्राइव से कॉपी को, इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, तो बेसिकली हमें स्कैन टू यूएसबी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये आउटपुट कलर है, तो ये तो ऑटो डिटेक्ट ही रहने देते हैं। जैसे कि इसमें ये येलो है, मेजेंटा है, बाकी और भी कलर्स हैं, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके इनके ओरिजिनल कलर्स पिकअप कर लेगा। बाकी के अगर हमें ये डॉक्यूमेंट, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट दोनों तरफ प्रिंटेड है, तो हम इसको दोनों तरफ ही स्कैन करेंगे। तो हम इसको दोनों तरफ का ये टू साइडेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। बाकी हमारा जो डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, फ़ोटो एंड टेक्स्ट दोनों हैं या टेक्स्ट अकेला है या कुछ और है, जैसे फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो किस तरह का है, वो हम इसको करेंगे। अभी मैं आपको फ्लैश बंद करता हूँ तो क्लियर दिखेगा। देखिए, फ़ोटो कॉपीड है, फोटोग्राफ है, इंकजेट है, सॉलिड कलर है, तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर सिंपली टैक्स है तो टैक्स पे ही रहने दीजिए। और अगर कोई मैप होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के, अगर उस तरह का मैटर है तो आप वो कर सकते हैं। मेरे केस में फ़ोटो और टैक्स दोनों ही हैं, तो मैं इसको फ़ोटो और टैक्स रखूँगा और बाकी ओके करूँगा। उसके बाद करने के बाद हमें यहाँ डॉक्यूमेंट को नेम देना होता है। आप यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सपोज़ एग्ज़ाम्पल के लिए sk.com दे देता हूँ फाइल का नाम, और उसको ओके कर देता हूँ। ओके करके ही अगर हमें ये डॉक्यूमेंट वाइट डिफ़ॉल्ट, ज़्यादातर तो एक दो होते हैं तो नीचे से ही करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं तो हम उसको EDF के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे पास दो डॉक्यूमेंट हैं, आगे पीछे करके चार कॉपी होगी, तो चलो मैं आपको EDF से ही करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने EDF से करी, आगे पीछे का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप जहाँ देख पा रहे हैं यह टू साइडेड। तो टू साइडेड में मैंने आपको बताया हमारा EDF थोड़ा एडवांस है, तो एक ही बार लेता है। बाकी और भी इसकी मॉडल की मशीनें हैं तो वो क्या है, दो बार फ्लिप करती हैं। तो ये हमारा गाइड रोलर है, इससे हम अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर डॉक्यूमेंट हमें इस तरीके से स्कैन करना है तो हम इसको गाइड रोलर की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाइड रोलर है, एडजस्ट गाइड रोलर बोलते हैं इसको। पीछे करेंगे हम इसको, बाकी हमें तो इसको ऐसे में स्कैन करना है, तो हम इसको डाल लेंगे ऐसे अच्छे से। बाकी यहाँ कंटिन्यू वर्किंग करके दोबारा से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक मिनट में इन सबको कर लेता हूँ, फिर आपको फिर आगे दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सब सेकेंडरी कर लिया। बाकी आप देख पा रहे हैं फाइल का नेम हमारा sk.com। बाकी USB में कर रहे हैं तो USB यहाँ शो हो रही है,
बाकी हमने डॉक्यूमेंट यहाँ फीड कर दिए हैं। बाकी हम यहाँ प्ले बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे तो डॉक्यूमेंट स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर में स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो प्रोसेसिंग चल रही है, बाकी ये स्टार्ट हो गया। इस मशीन की स्पीड काफ़ी अच्छी है तो ये स्कैन हो गए। बाकी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो चारों डॉक्यूमेंट ये दिख रहे हैं, फोर ओरिजिनल्स। इसमें दिख रहा है डू नॉट रिमूव यूएसबी ड्राइव। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता हमें पेन ड्राइव को बाहर नहीं निकालना है। तो ये देखो आप कंप्लीट का सिंबल आ चुका है और ये हमारी फाइल जो है कंप्लीट होके पेन ड्राइव में आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको उसको लैपटॉप पे ले जाके दिखाता हूँ कि इसमें फाइल कहाँ आई है, कैसी आई है, क्या क्लियरिटी है, बाकी सब एक्सेट्रा। सिस्टम पर ले जाने से पहले मैं आपको एक सेटिंग और बताऊँगा, जैसे कि हमें रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। रेजोल्यूशन हम यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे अभी हम ये एडवांस बेसिकली यहीं थे इस ऑप्शन पे वर्क फ्लो स्कैनिंग पे, एडवांस पे जाएंगे हम यहाँ पे तो यहाँ एडवांस पे हमें नीचे रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। हम इस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 600 dpi पे स्कैन कर सकते हैं। अभी हमने बाय डिफॉल्ट 200 पर थी तो हमने 200 पर ही स्कैन किया है, ओके करेंगे। बाकी ये इनके और भी ऑप्शंस हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट इनको छेड़ना नहीं है तो हमारा डॉक्यूमेंट जैसा है बेस्ट क्वालिटी में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। बाकी अगर हमें इस डॉक्यूमेंट में PDF बनाना है, JPG बनाना है, ज़्यादातर तो PDF के ही लिए आते हैं हमारे पास कस्टमर तो हम इसको बाय डिफॉल्ट PDF पे रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास PDF का काम कम है, एक दो होते हैं और JPG फाइल में करना होता है, जैसे किसी का ऑनलाइन का वर्क है और वो एक दो डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, तो वो हम यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिलिंग ऑप्शंस पे और यहाँ फॉर्मेट आ जाएगा। तो फॉर्मेट में हमारा बाय डिफॉल्ट PDF ही रहता है। अगर किसी को और भी फॉर्मेट्स में चाहिए होती है, जैसे टिप फाइल है, JPG है, XPX है, तो वो अपने सुविधा अनुसार इनको कर सकता है। बाकी मुझे तो PDF ही चाहिए थी तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट PDF पे ही रखा और स्कैनिंग कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको सिस्टम पर ले जाके दिखाता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट की क्वालिटी कैसी क्या आई है। चलिए पेन ड्राइव को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, पेन ड्राइव मैंने रिमूव किया है। तो चलिए मैं आपको आप सिस्टम पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी पेन ड्राइव है, देख सकते हैं यहाँ ये रिमूवल डिस्क आ गई है और हमने अपनी फाइल का नाम दिया था sk.com। मैं पास से दिखाता हूँ आपको, तो देखिए फाइल का नाम है sk.com। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास ओपन होकर फाइल आ गई है। बाकी हमने ये डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो ये सारे हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किए थे और 200 dpi पे हमने इसको स्कैन किया है और 200 dpi के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ चुकी है, देख सकते हो। 200 dpi पे हमने इसको स्कैन किया था तो देखो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी आ चुकी है। बाकी हम अपने सुविधा अनुसार dpi को बढ़ा के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।